पहले तो मैं पूरे प्रदेश वासियों को शुभकामना देती हूँ। यह छठ पर्व की प्रोग्राम है, दिल से मैं सभी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि आज इतनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था भी है, हम हर जगह घूमे हैं। और एक दो चीज मैंने देखी है, सब उत्तर भारतीय समाज के एकजुट होके जो पूजा कर रहे थे वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और जरूर हमारा ये त्यौहार में सभी की मनोकामना पूर्ण हो और हमारे समाज संस्कृति को भी संभाल के जिस पूरे समाज ने रखा है उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी। और प्रदेश में सुख समृद्धि आए, शांति बनी रहे, हमारा प्रदेश निरंतर विकास की ओर आगे बढ़े, यही मैं शुभकामना देती हूँ और दिल से आभार सभी का व्यक्त करती हूँ। अभी जी आप सांसद महोदय के साथ साथ में आए, हर जगह गए हैं, हर जगह लोगों का अपार प्यार भी मिला है, डबल उत्साह लोगों का हो गया है, किस तरह से लोगों का प्रेरणा स्रोत बनने की प्रेरणा दी? सबसे पहले मैं छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पे बने रहे और आज के पर्व पे मैं सभी को, सभी प्रदेशवासियों को और मेरे उत्तर भारतीय समाज के सारे मेरे भाई बहन मेरे वडील सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आज पहली बार हम आए हैं छठ पूजा के, पहली बार हमने दर्शन किए हैं, बहुत बढ़िया हमें एक एक्सपीरियंस कह सकता हूँ, एक एहसास कह सकता हूँ। छठी मैया की जो पूजा हमने आज देखी है, आज पूरे प्रदेश में जो सभी हमारे भाई बहन सब पूजा कर रहे हैं, दिल से लग रहा है कि उत्तर भारतीय नहीं कहूँगा, मेरे प्रदेश के लोग मैं कहूँगा, जिस तरह से दिल से पूजा सभी लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगे के दिनों में सभी लोग अच्छे से पूजा कर सके, जहाँ जहाँ घाट है हमारे वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था करेंगे तो लोग भी ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं जहाँ से लोग अच्छे से पूजा कर पाए। यहाँ पे भी हमने व्यवस्था देखी है, तो वही अभी मैडम के साथ हमारे सांसद मैडम के साथ हम बैठेंगे, उसको पूरा व्यवस्था करेंगे। और इवन नगर पालिका का भी मैं बहुत दिल से आभार मानना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था की है, प्रशासन ने व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उनके मैं बहुत दिल से आभार मानूंगा। और सभी लोगों को आश्वस्त करूंगा कि अगले साल कोशिश करेंगे कि और अच्छे से लोग पूजा कर सके, घाट सभी घाट पे लोग ऐसी व्यवस्था रहे जहाँ पूजा करने में कोई भी तकलीफ ना पड़े, कोई ये नहीं हो और इजीली हम लोग पूजा कर सके। और इसी के साथ मैं सभी का फिर एक बार मैं दिल से आभार मानना चाहता हूँ और छठी मैया हमारे प्रदेश पे उनका आशीर्वाद रहे और यही पूजा हम सभी करें, उनसे मैं आभार मानना चाहता हूँ। वहाँ की व्यवस्था सवाल रही थी, साफ सफाई, बिजली, पानी, हर व्यवस्था में लगी हुई थी, कितना सफल मानती है यह प्रयास? जी, सबसे पहले सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस साल हमारा घाट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है कि जितनी हो सके हम लोगों को सहूलियत प्रदान करें। और मैं समझती हूँ काफी हद तक हम नगर पालिका इस चीज में सफल हुई है। और मैं लोगों को ये भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आते हुए समय में, फ्यूचर में, हम लोग और हमारे घाटों को बहुत सुंदर बनाएंगे ताकि लोगों को उसमें घाट में उतरने टाइम सेफ फील हो और अच्छा फील हो। पर साथ साथ में मैं लोगों से एक और अपील भी करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हम अपनी बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे सब पर्व आते हैं जहाँ हमें घाटों की ज़रूरत होती है और वो साफ रहे, इसके लिए हम इतनी पुरजोर कोशिश करते हैं। तो लोगों से मेरी अपील है कि कृपा करके घाट को गंदा ना होने दे, क्योंकि गंदा करना बहुत आसान होता है पर उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। तो ये हर एक नागरिक का एक जिम्मेदारी है, सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे और इसे वाटर बॉडीज को क्लीन रखने में हमारी मदद करे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। फिर एक बार छठी मैया से मैं आशीर्वाद मांगना चाहूंगी, सभी मेरे लिए भी और हमारे प्रदेश के सभी लोगों के लिए, और जिन्होंने भी उपवास किया है अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, उन सब की मनोकामना पूरी छठी मैया करे और सूर्य भगवान हम पर सदैव आशीर्वाद रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। राहुल भाई, देखा जाए तो दादरा नगर हवेली में आपकी संस्था जो है भारतीय संस्कृति युवा मंच, तो आज रखौली विस्तार में आपका जो टीम है यहाँ पे छठ व्रतियों, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं बताना चाहूँगा
कि हर साल की भांति हमारी टीम हर विस्तार में कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रही है। इस बार देखिए हमारी टीम रखोली, मसाट और सिलवासा रिवर फ्रंट पे काम कर रही है। इस रिवर फ्रंट पे हमारे जो भारतीय संस्कृति मंच के संस्थापक है आदरणीय बड़े भाई हमारे हेमंत मिश्रा जी के दिशा निर्देशन पे टीम वहाँ पे काम कर रही है। रखोली में दीपक जी के अगुवाई में यहाँ पे जो भी हमारे देखिए टीम से जुड़े हमारे जो लड़के हैं, इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति पानी में डूब ना जाए, कोई बह ना जाए, हर किसी ने अच्छे से लोगों को सपोर्ट किया। नगर हवेली की पुलिस प्रशासन, रखोली ग्राम पंचायत का, मामलादार का, फॉरेस्ट डिपार्ट का, कानून व्यवस्था और जिला समाहर्ता का, हर किसी का हमें बढ़ चढ़ करके इस बार समर्थन मिला है। जैसा कि आप, मैं आपको लेफ्ट साइड में बताना चाहूँगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आने का जो है कि इस बार जिला प्रशासन और नगर पंचायत के अगुवाई में रास्ता का जो काम हुआ है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुआ है और हमारी भी टीम लोगों को सेवा समर्थन देने में अपना बढ़ चढ़ के साथ सहयोग दे रही है। आज टोटल यहाँ पे लगभग कितने पब्लिक आए होंगे? करीबन मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए, मैं जब से 2012 से मैं देखते आ रहा हूँ, हर साल की भांति हर साल जो है कि बढ़ते ही जा रहे हैं पब्लिक। आज मोस्ट ऑफ कुछ नहीं होंगे तो मेरे हिसाब से लमसम 7 से 8 हजार पब्लिक जरूर रहा होगा। आपके संस्था कितना वर्ष हो गया टोटल? हमारे संस्था को बने करीबन 13 वर्ष हो गए हैं और 13 वर्षों से प्रदेश में और देश में अपनी सेवा देती आ रही है। दीपक भाई, आप यहाँ पे रखोली के अध्यक्ष हैं, आप अपने टीम के बारे में किस तरह सराहना करें? देखिए हमारी टीम BSOIM जैसे कि पिछले साल भी यहाँ पे सेवा दी थी और इस बार भी यहाँ पे सेवा हम लोग ने, जैसे कि हमारे लड़के लोग ने पूरे पानी में खड़े होके कि कोई डूब ना जाए, इसका सेवा हम लोग ने दिया है यहाँ पे। और हर साल कुछ ना कुछ और हम अपने तरफ से मेहनत करेंगे कि यहाँ पे सभी को अच्छा सुविधा हम दे पाए। और जैसे कि राहुल जी है, इनके अगुवाई में ही जो काम हमें मिलता है और भी पूरा कोशिश करते हैं हमारी टीम पूरा मिलके काम करे यहाँ। व्रतियों के लिए आपके संस्था के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया गया? जैसे कि हमारी टीम ने यहाँ पे सब व्रतियों के लिए वेदी बनवाए थे हम यहाँ पे, और सुबह में चाय पानी का भी व्यवस्था किया गया है हमारी टीम की तरफ। धन्यवाद। छठ पर्व हमारा बहुत अच्छा त्यौहार है, हमें बहुत उत्साह मन में होता है त्यौहार करने के लिए। और हमने एक दिन खरना करते हैं, पहले हम लौकी और चावल खाते हैं, दूसरे दिन खरना करते हैं, खीर रोटी खाते हैं, फिर मुझे 24 घंटे की उपासना रहती है। अभी आज का हम व्रत करेंगे, अच्छे से पूजा करेंगे, शाम को फिर जाएंगे यहाँ से घर पे, दिया बत्ती घर पे करेंगे, पूजा करेंगे, यहाँ से करके जाएंगे, फिर रात को भोर में हम 4 बजे दौरा सजाएंगे, फिर वापस भी करके आएंगे। मुझे छठ माई ने बहुत अच्छे से सब कुछ दिया, मुझे बहुत आस्था है छठ माता पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पर्व बहुत अच्छा लगता है। तरफ से छठ पूजा को देखते हुए काफ़ी शानदार व्यवस्था की गई है और प्रशासन की व्यवस्था काबिल तारीफ है। मैं भी प्रशासन का ही एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मैं भी छुट्टी पर हूँ फिलहाल, लेकिन प्रशासन ने बहुत शानदार व्यवस्था किया है। पब्लिक का, NGOs का, जितने भी हमारे पत्रकार महोदय यहाँ आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत बड़ा सहयोग रहा है।